नरीमन पॉइंट से विराट 2.5 घंटे में नहीं, लगेंगे महज 35 मिनट। जानिए मुंबई कोस्टल रोड एक्सटेंशन का पूरा प्लान। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोस्टल रोड विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुंबई के नरीमन पॉइंट से निर्माणाधीन कोस्टल रोड को पालघर जिले के विरार तक बढ़ाया जाएगा, जो मुंबई महानगर क्षेत्र का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि एक बार पूरा हो जाने पर नरीमन पॉइंट से विरार तक यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट रह जाएगा। फडणवीस ने कहा, जापान सरकार कोस्टल रोड को विरार तक बढ़ाने के लिए 54,000 करोड़ रुपए देगी। उन्होंने कहा कि वर्सोवा से मढ़ लिंक के लिए टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। 8 लेन वाला कोस्टल रोड खास। फडणवीस ने कहा कि मढ़ से उत्तान लिंक का काम अब शुरू हो रहा है। कोस्टल रोड मुंबई के पश्चिमी तट पर 8 लेन वाला 29.2 किलोमीटर लंबा एक अलग एक्सप्रेस वे है, जो दक्षिण में मरीन लाइन्स को उत्तर में कांदिवली से जोड़ता है। इसका पहला चरण, जिसका उद्घाटन 11 मार्च 2024 को किया गया, प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से बांद्रा वर्ली सीलिंग के वर्ली छोर तक 10 किलोमीटर 580 मीटर का खंड है। अब तक 10 किलोमीटर लंबा हिस्सा खोला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 11 मार्च को वर्ली और दक्षिण मुंबई में मरीन ड्राइव के बीच तटीय सड़क के पहले चरण का उद्घाटन किया और कहा कि यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। पहले चरण में 12 मार्च को 10.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा यातायात के लिए खोल दिया गया था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम 13 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ और इसकी अनुमानित लागत 12,721 करोड़ रुपए है। पहले दिन 16,000 से अधिक वाहनों ने सड़क का उपयोग किया। बांद्रा से विरार को जोड़ने वाले एक समुद्री लिंक को MMRDA द्वारा मंजूरी दी गई है। तटीय सड़क का विस्तार वसई विरार तक किया जाना है। वर्सोवा विरार सी लिंक का निर्माण MMRDA कर रही है। 43 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण अनुमानित 63,000 करोड़ रुपए में किया जाएगा।